आज अपन कर रहे हैं टाइमर कंट्रोल। टाइमर कंट्रोल का यूज करके अपन किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर अपने को कुछ वर्क करना हो तो वो कर सकते हैं। जैसे मुझे पिक्चर बॉक्स के अंदर जो इमेज आ रही है उसको हर 2 सेकंड के बाद चेंज करना है या हर 4 सेकंड के बाद चेंज करना है तो वो अपन कर सकते हैं। इसके इक्विवेलेंट आपने जावास्क्रिप्ट में सेट इंटरवल पढ़ा है सभी ने। अब इसके लिए अपने को क्या करना होगा वो देखें। तो मैंने एक नया फॉर्म लिया, उस पे एक पिक्चर बॉक्स कंट्रोल लिया, पिक्चर बॉक्स कंट्रोल प्लेस किया मैंने। उसके बाद मैंने पिक्चर बॉक्स कंट्रोल की प्रॉपर्टी सेट करी बॉर्डर स्टाइल, नन की जगह फिक्स्ड सिंगल, तो पिक्चर बॉक्स के चारों तरफ बॉर्डर आ गया। 2 बटन प्लेस किए, BTN स्टार्ट और BTN स्टॉप, जिसके ऊपर स्टार्ट और स्टॉप लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, हर थोड़ी देर के बाद पिक्चर चेंज करनी है, पिक्चर बॉक्स में जो पिक्चर आ रही है वो। और पिक्चर चेंज होनी कब शुरू होनी चाहिए, स्टार्ट बटन के क्लिक और स्टॉप के क्लिक पे चेंज होनी रुक जानी चाहिए। तो अब यहां काम में आता है एक नया कंट्रोल, टाइमर कंट्रोल। टाइमर कंट्रोल आपको टूल बॉक्स के अंदर दिखेगा, कंपोनेंट्स में बिल्कुल लास्ट में। ऊपर ऊपर कैटेगरीज आ रही है कॉमन कंट्रोल, फिर आ रही है कंटेनर्स, फिर मेन्यूज एंड टूल बार्स, फिर डेटा, फिर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कैटेगरी में लास्ट में दिखेगा आपको टाइमर कंट्रोल। टाइमर कंट्रोल पे अपन डबल क्लिक करेंगे तो टाइमर फॉर्म पे नहीं आएगा, ये जो नीचे एरिया आ रहा है फॉर्म में यहाँ पे ये टाइमर कंट्रोल आएगा। टाइमर कंट्रोल ऐसा कंट्रोल है जो रन टाइम पे दिखाई नहीं देता है, इसको सिर्फ अपन कोडिंग से ही हैंडल कर सकते हैं। टाइमर कंट्रोल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है एनेबल्ड। अगर टाइमर एनेबल्ड है तभी उसकी कोडिंग एग्जीक्यूट होगी। एनेबल करने के लिए आपको एनेबल्ड में ट्रू करना पड़ेगा। और कितनी कितनी देर के बाद वर्क होना चाहिए ये देते हैं अपन इंटरवेल प्रॉपर्टी। इंटरवेल में अभी 10 आ रहा है, मैंने दे दिया 1000, 1000 मिलीसेकंड्स मतलब 1 सेकंड। अगर मैं 5000 दे दूंगा यहाँ पे तो हर 5 सेकंड के बाद वर्क होगा। कोडिंग देखें, स्टार्ट बटन के क्लिक करने पे मैंने क्या किया, टाइमर 1 डॉट इंटरवेल, इंटरवेल में दे दिया मैंने 2000, तो मतलब हर 2 सेकंड के बाद वर्क होगा। और टाइमर 1 डॉट एनेबल्ड इक्वल टू ट्रू, टाइमर को एनेबल कर दिया। ऊपर मैंने पब्लिक क्लास के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप की एरे डिक्लेयर करी, उसमें सारी इमेजेस के नाम और पाथ स्टोर कर दिया, डेम क्यू एस स्ट्रिंग इक्वल टू सी इमेजेस 1 डॉट जेपीजी, ऐसे 2 डॉट जेपीजी, ऐसे ही अपन कितनी भी इमेजेस दे सकते। और एक मैंने डिम आई एज इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो पहली बार 0 इंडेक्स वाली इमेज आनी चाहिए, फिर 1 वाली, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली। अब ये इमेज आएगी कैसे, उसके लिए अपने को टाइमर की कोडिंग लिखनी पड़ेगी। तो टाइमर कंट्रोल पे मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही टाइमर का टिक इवेंट ओपन हो जाएगा। जैसे बटन का क्लिक होता है टाइमर का टिक इवेंट होता है। ये कितनी कितनी देर के बाद अपने आप कॉल होगा, जो भी मैंने इंटरवेल में दिया है, इंटरवेल में मैंने 2000 दिया तो हर 2 सेकंड के बाद ये अपने आप कॉल होगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, पिक 1 डॉट इमेज, पिक 1 है पिक्चर बॉक्स का नाम, डॉट इमेज इक्वल टू इमेज डॉट फ्रॉम फाइल क्यू ऑफ आई। क्यू ऑफ आई, क्यू एक एरे है जिसमें सारी इमेजेस के नाम स्टोर्ड हैं, तो क्यू ऑफ आई मतलब क्यू ऑफ 0 पहली बार, क्योंकि आई में अभी 0 है, तो 0 इंडेक्स वाली जो पिक्चर है वो पिक्चर बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगी। फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई में 1 हो जाएगा। फिर 2 सेकंड के बाद 1 इंडेक्स वाली इमेज आएगी, फिर 2 सेकंड के बाद 2 इंडेक्स वाली इमेज आएगी। अब जब सारी इमेजेस ओवर हो जाएंगी तो आई की वैल्यू
एरे डॉट लेंथ के बराबर हो, तो मुझे अब वापस से जीरो इंडेक्स वाली इमेज डिस्प्ले करनी है, तो मैंने आई में क्या दिया, जीरो। इस टिक इवेंट को अपने को कॉल करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने इंटरवेल में दिया है उतनी उतनी देर के बाद ये अपने आप कॉल होगा। अब स्टॉप बटन पे क्लिक करने पे पिक्चर चेंज होनी रुक जानी चाहिए, तो मैंने टाइमर को डिसेबल कर, टाइमर वन डॉट एनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। अब अपन इसको रन करके देखते हैं जिससे आपको इसका इफेक्ट पता लगे। अब आप यहां देखो अभी एक भी इमेज नहीं आ रही। स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो पहले फर्स्ट इमेज आई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर वापस से फर्स्ट इमेज आई, फिर सेकंड। जब मैंने स्टॉप पे क्लिक कर दिया तो अब ये इमेजेस चेंज होना रुक गई। अब ये इमेजेस चेंज नहीं हो रही है। वापस स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा अगर मैं, तो वापस से इमेजेस चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने फॉर्म पे दो बटन प्लेस किए, स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट बटन बीटीएन स्टार्ट, स्टॉप बटन बीटीएन स्टॉप, और एक टाइमर कंट्रोल प्लेस किया जिसके इंटरवल में मैंने 1000 दिया। अब मैंने इसको रन किया प्रोग्राम को, पहले अपन ये देखें कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो फॉर्म के बैक कलर एक के बाद एक चेंज होने स्टार्ट हो गए, अलग अलग कलर्स आ रहे हैं, और जैसे ही मैं स्टॉप बटन पे क्लिक करूंगा कलर्स चेंज होने रुक जाएंगे। अब इसके लिए स्टार्ट बटन पे मैंने कोडिंग लिखी है। स्टार्ट बटन पे मैंने क्या लिखा है, टाइमर वन डॉट इंटरवेल इक्वल टू 1000, मतलब हर एक सेकंड के बाद ये टाइमर का टिक इवेंट कॉल होगा, टिक इवेंट वाला प्रोसीजर कॉल होगा, और टाइमर को मैंने एनेबल भी किया हुआ है, और स्टॉप बटन पे मैंने टाइमर को डिसेबल किया हुआ। अब मेन कोडिंग जो अपने को लिखनी है वो लिखनी है टाइमर के टिक इवेंट। मुझे क्या करना है, रैंडमली रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यूज जनरेट करनी है और उससे कलर बनाना है और उसको फॉर्म के बैक कलर में सेट करना है। अब उसके लिए मैंने क्या किया, डिम रेड ग्रीन ब्लू एज इंटीजर, ये मैंने डिक्लेयर किए तीन वेरिएबल, डिम जी एज न्यू रैंडम, मैंने यहां पे रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर अब मुझे रैंडम वैल्यूज जनरेट करनी है कलर बनाने के लिए, तो कलर बनता है रेड ग्रीन ब्लू से मिक्स करके, तो अब मुझे तीन रैंडम वैल्यूज चाहिए रेड ग्रीन ब्लू के लिए, तो मैंने रैंडम क्लास का मेथड कॉल किया जी डॉट नेक्स्ट, जीरो से लेके 256 मैंने यहां दिया है, मतलब इससे एक कम तक की रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, तो ये जीरो से लेके 255 तक की एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा जो रेड में आ जाएगी। फिर दूसरी बार मैंने इसको कॉल किया, ये एक और रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा जीरो से लेके 256 से कम, मतलब 255 तक की, वो रैंडम वैल्यू ग्रीन में आ जाएगी, और ऐसा ही ब्लू में होगा। अब मेरे पास तीन रैंडम वैल्यूज आ गई, अब मुझे उनसे मिला के कलर बनाना है, तो कलर डॉट फ्रॉम एआरजीबी रेड ग्रीन ब्लू पास कर, इससे जो भी कलर बनेगा उसको मैंने असाइन कर दिया मी डॉट बैक कलर, मी का मतलब करंट फॉर्म का बैक कलर। अगर मैं मी डॉट नहीं लगाता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये फॉर्म के बैक कलर को ही यूज करेगा, बैक कलर प्रॉपर्टी को। तो अभी तक जितनी भी जगह अपन ने मी डॉट लगाया था वहां पे अगर अपन मी डॉट नहीं लगाएंगे तो भी वर्क करता है, लेकिन रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको मी डॉट लगा देना चाहिए जिससे कि जो भी आपके प्रोग्राम को देख रहा है उसको इजीली समझ में आ जाए। नेक्स्ट कंट्रोल अपन कर रहे हैं लिंक लेबल कंट्रोल। अभी तक अपन ने लेबल कंट्रोल किया, लेबल कंट्रोल के जैसा ही होता है लिंक लेबल कंट्रोल।
अब जैसा नाम से समझ में आ रहा है, लिंक लेबल कंट्रोल जो है उस पे अपन लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा लेबल जिसपे हाइपर लिंक क्रिएट किया हूं। तो जैसे कि आपको यहां दिख रहा है ओपन नोटपैड, और नोटपैड नोटपैड जो है वो ब्लू कलर में आ रहा है और अंडरलाइन भी आ रहा है बिल्कुल हाइपर लिंक जैसे। इसका फॉन्ट साइज मैं इंक्रीज कर देता हूं, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ये ओपन नोटपैड, और नोटपैड पे हाइपर लिंक बना हुआ है। ऐसे ही लिंक लेबल टू जो आ रहा है उसपे भी लिंक लेबल टू लिखा हुआ है, उसका फॉन्ट भी मैं चेंज कर देता हूं। अब मैं पहले इसको रन करके दिखा रहा हूं कि इससे क्या हो रहा है। अब आप यहां देखो लिखा हुआ आ रहा है ओपन नोटपैड, जब मैंने इसको रन किया जैसे ही मैं नोटपैड पे क्लिक करूंगा तो सामने नोटपैड ओपन हो गया। तो मैंने हाइपरलिंक बनाया इसमें और एक एप्लीकेशन ओपन कर दी। नीचे अब नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है ओपन नोटपैड, तो इसमें तो लिंक लेवल टू लिखा हुआ था, तो ये अपन ने रन टाइम पे इसमें सेट किया है लेबल का टेक्स्ट ओपन नोटपैड, नोटपैड अंडरलाइन आ रहा है, नोटपैड पे क्लिक किया नोटपैड ओपन हो गया। कॉमा पेंट, पेंट पे क्लिक किया मैंने तो एमएस पेंट ओपन हो गया। कॉमा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे क्लिक किया तो कैलकुलेटर ओपन हो गया। इसका मतलब एक लिंक लेबल पे एक लिंक भी बन सकता है और एक से ज्यादा लिंक्स भी बन सकते हैं। अब ये लिंक्स कैसे बने ये देखें अपन। इसके लिए मैंने क्या किया, एक लिंक लेबल पे डबल क्लिक किया तो एक नया लिंक लेबल आ गया, इसका नाम है लिंक लेबल थ्री। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसका फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया। लिंक लेबल की प्रॉपर्टीज काफी सारी लेबल जैसी ही होती हैं, जो अलग होती हैं वो अपन करेंगे डिस्कस अभी। लिंक लेबल थ्री, अब इस पे क्या लिखा हुआ चाहिए, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके लिखा मैंने ओपन विन वर्ल्ड, तो ये इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा हुआ आ गया ओपन विन वर्ड या ओपन एमएस वर्ड। अब मुझे क्या करना है इसमें, हाइपरलिंक किसको बनाना है, तो लिंक एरिया इसकी प्रॉपर्टी, लिंक एरिया, लिंक एरिया में जाके मैंने एलिप्सिस पे क्लिक किया तो अभी तो इसने पूरे को लिंक बनाया हुआ है। अब मैंने यहां से एमएस वर्ड को सेलेक्ट कर लिया और ओके पे क्लिक किया, अब आप देखोगे एमएस वर्ड सिर्फ लिंक बना है, तो लिंक एरिया में आ गया 5.7, मतलब 5 इंडेक्स से 7 कैरेक्टर्स जो हैं वो लिंक बने। तो किसी भी पार्ट को आपको अगर लिंक बनाना हो तो लिंक एरिया प्रॉपर्टी यूज में आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिंक कलर, लिंक्स का कलर क्या होना चाहिए, ये तो आप सबने HTML में पढ़ा हुआ ही है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विजिटेड लिंक कलर, अगर आपने लिंक को विजिट कर लिया है तो उसका कलर क्या होना चाहिए। टेक्स्ट अलाइन, लिंक लेवल पे जो टेक्स्ट आ रहा है उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए। फिर जैसे लेवल में यूज निमोनिक होता है, लिंक लेवल में भी यूज निमोनिक प्रॉपर्टी होती है। फिर तो जनरल प्रॉपर्टीज है, नई प्रॉपर्टी है इसमें लिंक एरिया पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी लिंक बिहेवियर। अब आप लिंक बिहेवियर ध्यान से समझो, इसकी पॉसिबल वैल्यूज है ऑलवेज अंडरलाइन, मतलब लिंक हमेशा अंडरलाइन ही आएगा। दूसरी पॉसिबल वैल्यू होवर अंडरलाइन, होवर अंडरलाइन मतलब जब आप उसके ऊपर माउस लेके जाओगे तब वो अंडरलाइन होगा लिंक। और तीसरा नेवर अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन ही नहीं होगा लिंक। और बाय डिफॉल्ट सिस्टम डिफॉल्ट है इसमें, तो जो भी आपका जो सिस्टम है उसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स के अकॉर्डिंग होगा। तो ये लिंक बिहेवियर प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिंक विजिटेड, अगर अपने को प्रोग्रामिंग के थ्रू कुछ ऐसा करना हो, ये मेंटेन करना हो कि यूजर ने इस लिंक को विजिट किया है या नहीं किया है, तो लिंक विजिटेड में ट्रू मतलब ये मार्क हो जाएगा कि ये लिंक विजिट हो चुका है, फॉल्स मतलब ये लिंक विजिट नहीं हुआ।
तो लिंक विजिटेड प्रॉपर्टी जो है उसका टाइप बुलियन है जिसकी पॉसिबल वैल्यूज है ट्रू फॉल्स, बाकी इसकी सारी प्रॉपर्टीज किसके जैसी हैं, लेबल जैसी। अब मैंने इसको वापस से रन किया, जैसे ही मैं नोटपैड पे माउस प्रेस कर रहा हूं इसका कलर रेड हो गया, ये है एक्टिव लिंक कलर, एक्टिव लिंक कलर। अब इसके लिए लिंक लेबल की प्रॉपर्टी होती है ऊपर ऊपर एक्टिव लिंक कलर, तो एक्टिव लिंक कलर से अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जब लिंक एक्टिव हो तो उसका कलर क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट रेड होता है। अब मुझे रन टाइम पे कोडिंग के थ्रू लिंक बनाने हैं लिंक लेवल टू और एक से ज्यादा लिंक बनाने, तो मैंने फॉर्म पे डबल क्लिक किया। अब आप बहुत ध्यान से समझना है इसको, लिंक लेवल टू डॉट टेक्स्ट, लिंक लेवल टू के टेक्स्ट में क्या साइन किया मैंने, ओपन नोटपैड कॉमा पेंट कॉमा कैलकुलेटर। अब लिंक लेवल पे मल्टीपल लिंक्स बनाने हैं तो लिंक लेवल टू डॉट लिंक्स डॉट एड, फाइव इंडेक्स से सेवन कैरेक्टर्स को अपने को लिंक बनाना है, और थर्ड आर्ग्यूमेंट में दिया मैंने लिंक डेटा, लिंक डेटा। अब लिंक डेटा भी अपन डिस्कस कर रहे हैं कहां काम में आएगा, ऐसे ही दूसरा लिंक बनाया मैंने लिंक्स डॉट एड, 13 इंडेक्स से फाइव कैरेक्टर्स को अपने को लिंक बनाना है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लिंक्स बना सकते हैं एक ही लिंक लेवल। अब आप यहां देखोगे तो लिंक्स डॉट एड 13 दिया मैंने, सेकंड आर्ग्यूमेंट है इसका लेंथ, कितने कैरेक्टर्स को लिंक बनाना है, तो एमएस पेंट, ये एमएस पेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने टेक्स्ट में दिया हुआ है ना, ये टेक्स्ट में पेंट कितने कैरेक्टर्स का है, फाइव कैरेक्टर्स का, तो आपको फाइव कैरेक्टर्स को लिंक बनाना है। और इसी तरह से कैलकुलेटर जो है अपना वो कितने कैरेक्टर्स का है, नाइन कैरेक्टर्स का, तो 19 इंडेक्स से लेके कैलकुलेटर में जो 10 कैरेक्टर्स हैं उनको अपने को लिंक बनाना है। तो लिंक लेबल का लिंक्स कलेक्शन होता है जिसका ऐड मेथड होता है जिसका यूज करके अपन लिंक बना सकते हैं। लिंक बनाते हुए थर्ड आर्ग्यूमेंट में लिंक डेटा स्पेसिफाई करते हैं, लिंक डेटा को अपन अभी आगे यूज कर रहे हैं। अब ये जो मैंने लिंक डेटा दिया है, वैसे तो अपन यहां कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहां दिया है नोटपैड की जो ईएक्सी फाइल होती है उसका नाम, एमएस पेंट की ईएक्सी फाइल का नाम और कैलकुलेटर की ईएक्सी फाइल का नाम, ये एक्चुअली ईएक्सी फाइल के नाम दिए। अब क्यों दिए हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले लिंक लेवल वन पे मुझे कोडिंग लिखनी है, तो लिंक लेवल वन पे डबल क्लिक किया। अब यहां मुझे नोटपैड स्टार्ट करना है, तो सिस्टम नेम स्पेस के अंदर डायग्नोस्टिक्स नाम की एक नेम स्पेस होती है, उसमें प्रोसेस नाम की एक क्लास होती है और उसका स्टार्ट नाम का मेथड होता है, और उस स्टार्ट मेथड को अपन कोई भी exe फाइल पास कर सकते हैं, वो exe फाइल ओपन हो जाएगी मतलब रन हो जाएगी। तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक्स डॉट प्रोसेस डॉट स्टार्ट नोटपैड, अगर मैं नोटपैड की जगह विनवर्ड लिख दूं तो वर्ड स्टार्ट हो जाएगा, अगर मैं एक्सेल लिख दूं तो एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप किसी भी exe फाइल को रन कर सकते हैं। आपको ये देखो स्टार्ट एक मेथड है, मेथड क्लास में होता है तो प्रोसेस एक क्लास है, और उसके पहले जो भी लिखा हुआ वो नेम स्पेस है, सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक्स नेम स्पेस है, जिन्होंने जावा पढ़ी हुई है नेम स्पेस पैकेज के इक्विवेलेंट होती है। हाँ, अब ये तो हो गया नोटपैड के लिए, अब मेन कोडिंग किसकी है, दूसरे लिंक लेवल। दूसरा लिंक लेवल कौन सा है अपना, लिंक लेवल टू, उस पे मुझे कोडिंग लिखनी, तो लिंक लेवल टू पे डबल क्लिक किया मैंने। अब आप यहां देखो ध्यान से, इसका कौन सा इवेंट होता है, लिंक क्लिक्ड, तो अपने को लिंक क्लिक्ड
में कोडिंग लिखनी पड़ेगी। अब इसका जो सेकंड आर्गुमेंट होता है लिंक क्लिक का, वो थोड़ा सा अलग होता है, वो अपन देखें उसका टाइप क्या है। तो उसका टाइप आप देखोगे तो इसका सेकंड आर्गुमेंट जो है उसका टाइप है लिंक लेबल लिंक क्लिक्ड इवेंट आर्क्स, जबकि वैसे तो बाय डिफॉल्ट काफी सारों का इवेंट आर्क्स होता है सेकंड आर्गुमेंट, लेकिन इसका सेकंड आर्गुमेंट क्या है लिंक लेबल लिंक क्लिक्ड इवेंट आर्क्स। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब इसके अंदर जो ई नाम का आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि मैंने कौन से लिंक पे क्लिक किया है। लिंक लेबल टू पे एक से ज्यादा लिंक बने हुए हैं तो मैंने कौन से पे क्लिक किया है। तो अब मुझे क्या करना है, सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक्स डॉट प्रोसेस डॉट स्टार्ट। अब अगर यूजर ने नोटपैड पे क्लिक किया है तो नोटपैड स्टार्ट होना चाहिए, पेंट पे क्लिक किया है तो एमएस पेंट स्टार्ट होना चाहिए, और कैलकुलेटर पे क्लिक किया है तो कैल्क वाली फाइल रन होनी चाहिए, मतलब ये तीनों ईएक्सई फाइल में से कोई एक। तो अब जैसा मैंने आपको बताया ई के अंदर क्या आ जाएगा, लिंक की इंफॉर्मेशन, तो मैंने स्टार्ट मेथड को पास किया ई डॉट लिंक डॉट लिंक डेटा। तो अगर यूजर ने नोटपैड पे क्लिक किया होगा तो लिंक डेटा मतलब नोटपैड वाली फाइल रन होगी, अगर यूजर ने पेंट पे क्लिक किया होगा तो एमएस पेंट वाली फाइल रन होगी, अगर यूजर ने कैलकुलेटर वाले पे कहीं भी क्लिक किया होगा तो कैल्क वाली ईएक्सई फाइल रन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिंक डेटा में ईएक्सई फाइल का नाम अपन ने स्टोर करा है। अगर मैं यहाँ कैल्क की जगह एबीसी लिख दूं तो एबीसी नाम की ईएक्सई फाइल तो है ही नहीं, तो कैलकुलेटर पे क्लिक करने पे एरर आएगा। अब अगर लिंक विजिटेड मार्क करना हो तो ई डॉट लिंक डॉट विजिटेड इक्वल टू ट्रू, अब ये लिंक विजिटेड मार्क हो गया, मतलब इसकी विजिटेड प्रॉपर्टी में अपन ने ट्रू कर दिया। नेक्स्ट अपन पिक्चर बॉक्स की प्रॉपर्टीज, तो मैंने पिक्चर बॉक्स कंट्रोल टूल बॉक्स में से लिया और इसको प्लेस कर दिया। पिक्चर बॉक्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है जनरल प्रॉपर्टीज में जो अपन ने डिस्कस करी थी, वो इसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, बैक कलर, बैकग्राउंड में इमेज चाहिए तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको बैकग्राउंड में चाहिए, तो ये पिक्चर बॉक्स के बैकग्राउंड में ये इमेज आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हो बैकग्राउंड इमेज पे मैंने एलिप्सिस पे क्लिक करके इमेज सेलेक्ट कर ली, बैकग्राउंड इमेज लेआउट में भी टाइल आ रहा है मैंने नन कर दिया, तो बैकग्राउंड में इमेज सिर्फ एक ही बार आएगी, नन सेंटर जहां भी आपको चाहिए, टाइल्ड चाहिए जूम चाहिए, तो मैंने अभी तो इसको सेंटर कर दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी इमेज, इसको अपन कोडिंग में यूज कर सकते हैं, किया ही है अपन ने, और डिजाइन टाइम पे मैं चाहता हूं इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कोई इमेज आए तो एलिप्सिस पे क्लिक करो, फिर डायलॉग बॉक्स आएगा इंपोर्ट पे क्लिक करो, फिर जहां पे भी आपकी इमेजेस पड़ी हुई है वहां पे आप क्लिक कर दो, जैसे मैंने ये इमेज ले ली और ओके पे क्लिक किया, तो अब आप देखोगे इस इमेज ने पूरे पिक्चर बॉक्स को कवर कर लिया और पिक्चर बॉक्स के अंदर अभी ये इमेज आई भी नहीं है पूरी, ये इमेज का पार्ट ही है। अब मुझे ये सेट करना हो कि इमेज कैसे आनी चाहिए, तो साइज मोड प्रॉपर्टी, साइज मोड में बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है, तो मतलब जो मैंने पिक्चर बॉक्स की इमेज प्रॉपर्टी में जो इमेज असाइन करी है वो जितनी दिखाई दे सकती है उतनी दिखाई दे जाएगी, बाकी की दिखाई नहीं देगी। अब मैंने नॉर्मल की जगह कर दिया स्ट्रेच इमेज, तो अब आप देखो ये स्ट्रेच होके आ गई इमेज पूरी। और एक होता है जूम, जूम में प्रोपोर्शनली विड्थ और हाइट बराबर बराबर इंक्रीज होती है, तो पीछे जो बैक कलर अपन ने दिया हुआ है वो भी अपने को दिखाई दे रहा, जबकि स्ट्रेच इमेज में क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो गई पूरी, मतलब विड्थ तो ज्यादा बढ़ गई और हाइट कम पड़ी है, जबकि जूम के केस में प्रोपोर्शनली हो रहा है। अगर मैं सेंटर इमेज दे देता हूं तो इमेज का जो सेंटर से स्टार्ट करके
एरिया कवर कर लेगी तो साइड से क्रॉप हो जाएगी फिर, साइड से इमेज क्रॉप हो जाएगी। जैसे कि आप ये देखो अभी मैंने जूम दिया है तो इमेज में काफी सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जबकि अगर मैं सेंटर इमेज दे दूंगा तो अब आप देखो जो इमेज है उसके सेंटर से पिक्चर बॉक्स में ड्रॉ होनी शुरू हुई और साइड वाला एरिया क्लिप हो गया, पिक्चर बॉक्स का साइज छोटा कर दिया। तो अब आप ये देखो सेंटर इमेज दिया हुआ है मैंने तो सेंटर से ड्रॉ होनी शुरू हुई और बाकी एरिया क्लिप हो गया, जबकि अगर मैं इसमें ही क्या कर रहा हूँ साइज मोड के अंदर मैं अगर सेंटर इमेज की जगह जूम दे देता हूँ तो पूरी इमेज आ रही है और प्रोपोर्शन में आ रही है, विड्थ हाइट बराबर बराबर हुई है, जबकि अगर मैं स्ट्रेच इमेज दे देता हूं तो स्ट्रेच हो गई। तो इसका मतलब सेंटर इमेज के अंदर ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी इमेज विजिबल नहीं हो अगर इमेज बड़ी है तो, और नॉर्मल के केस में जितना पिक्चर बॉक्स का साइज है उतनी पिक्चर लेफ्ट टॉप से दिखाई देगी और बाकी दिखाई नहीं देगी। अब इसकी लास्ट पॉसिबल वैल्यू ऑटो साइज, अगर मैं साइज मोड को ऑटो साइज कर दूं तो पिक्चर बॉक्स का साइज अपने आप उतना हो जाएगा जितनी बड़ी इमेज है।